कारवां टीवी हर पल आपके साथ। एक दबंग ने मेन रास्ते को बंद करके कर रखा है कब्जा। पैनी नजर सामाजिक संस्था से की शिकायत। पैनी नजर सामाजिक संस्था की अध्यक्षा एडवोकेट सुनीता गंगवार ने उपजिलाधिकारी को दिया ज्ञापन। उपजिलाधिकारी ने कार्रवाई का दिया आश्वासन। मामला ग्राम पंडरा का है जहां विवाद की स्थिति बनी हुई है। जिला बरेली नवाबगंज थाना क्षेत्र गांव पंडरा में एक दबंग व्यक्ति ने मेन रास्ते को बंद कर दिया है और उसी से लगी खलियान की भूमि पर भी कब्जा कर रखा है। उसी पर निर्माण कार्य हो रहा है। ग्रामीणों के बुलावे पर पहुंची पैनी नजर सामाजिक संस्था की अध्यक्षा एडवोकेट सुंदर गंगवार ने मजलूम लोगों की आवाज उठाने का बीड़ा उठाया है और जिलाधिकारी से मिलकर ग्रामीणों को इंसाफ दिलाने की गुहार भी लगाई है। एडवोकेट सुंदर गंगवार ने बताया, गांव के मेन रास्ते पर नाली बनी हुई है जिसे दबंग ने बंद कर रखा है। उस रास्ते से सैकड़ों लोगों का निकलना होता है जो अब बंद है, जिससे वहाँ नरकीय स्थिति बनी हुई है। वह दबंग लोगों का लगातार उत्पीड़न कर रहा है। ग्राम प्रधान भी उसकी दबंगई से परेशान है। वह उस रास्ते को पक्का नहीं करवा पा रहा है। एडवोकेट सुनीता गंगवार ने प्रशासन से अनुरोध किया है कि तत्काल प्रभाव से उस व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करके उसे कब्जा मुक्त कराया जाए। तो वहीं मुझेरा संतोष के कोटेदार पर भी एडवोकेट सुनीता गंगवार ने धांधली का आरोप लगाया है। बा अनियमितताओं के चलते उसका कई महीनों से कोटा निलंबित हो चुका है। अतः संवैधानिक एक प्रक्रिया कराकर उसे निरस्त कराया जाए। कोटेदार पर आरोप भी सिद्ध हो चुके हैं। ग्रामीणों का कहना है, नए कोटेदार का चुनाव करके नियुक्त करने की कृपा करें। गांव में उसका प्रबल विरोध भी है। देखिए कारवां टीवी के लिए नवाबगंज से रियाज गुड्डू अंसारी की यह खास रिपोर्ट। जानना चाहेंगे आज ज्ञापन दिया है, क्या मामला है? देखिए, आज दो समस्याओं को लेकर मैंने नवाबगंज प्रशासन को ज्ञापन दिया है। पहला तो मामला है ग्राम पंडरा का, जो काफ़ी लंबे समय से चल रहा है। उसमें मामला ये है कि एक रास्ते को बंद किया जा रहा है जहां पर कई परिवार रहते हैं। लगभग 200 लोग वहां पर प्रभावित हो रहे हैं और उस रास्ते का ना तो पानी निकलने की कहीं जगह है, जबकि वो रास्ता है, कोई भी आम आदमी अगर उसको देखे तो उसके तुरंत समझ जाएगा कि ये रास्ता है और जो आगे चलकर मिला हुआ है मेन रोड से। तो उस रास्ते को एक दबंग व्यक्ति जो है बंद करना चाहता है और वहाँ पर अपनी इमारत खड़ी करना चाहता है, और उसका वाद भी चल चुका है। वाद में उसका जो फैसला है उसके खिलाफ है वो फैसला, लेकिन वो प्रचार ये कर रहा है कि मैं मुकदमा जीत चुका हूँ। इस पर SDM साहब ने कहा है कि मैं उसकी दिखवा लूँगा कि उसका निर्णय क्या है, कोर्ट ने क्या किया है। लेकिन कभी भी कोर्ट ऐसा निर्णय नहीं दे सकता है किसी का रास्ता बंद करने का। तो मैंने प्रशासन से ये मांग की है कि उस रास्ते को खुलवाया जाए और उस रास्ते पर जो है प्रधान उसको पक्का करना चाहते हैं, वो पक्का नहीं करने दे रहा है, तो उसको तुरंत पक्का करवाया जाए जिससे कि आम लोगों का जो जीवन नरकी हो रहा है वहाँ पर, आना जाना बंद हो रहा है, वो आना जाना उनका सुचारू रूप से जारी हो सके। और दूसरा मामला ये है ग्राम मुझेना संतोष का है। ये आए हुए हैं मुझेना संतोष से, सुभाष बाबू आए हैं। तो ये वहाँ भी वो एक लंबे समय से मामला चल रहा है। वहाँ पे जो कोटेदार है उसकी धांधलीबाजी की वजह से और अनियमितताओं की वजह से उसका कई शिकायतें ग्रामवासियों ने की, जिसकी जांच बैठी है। SDM साहब ने उसके जांच के आदेश दिए, जिसको आपूर्ति विभाग ने उसकी जाँच की जो रिपोर्ट लगाई है वो इसके खिलाफ है, उसमें उसके आरोप सिद्ध हुए हैं। उसके बाद वो निलंबित किया हुआ है। निलंबित होने के बाद लगभग 4 महीने हो चुके हैं, 4-5 महीने हो चुके हैं, वो कोटा अभी भी उसके पास चल रहा है। वो पूरी कोशिश कर रहा है कि मैं जनप्रतिनिधियों के माध्यम से अपना कोटा बहाल कर लूं। इस मामले में जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं वो ऐसे दबंग लोगों को ही सहयोग करते हैं, वो आम आदमी का सहयोग नहीं करते हैं, आम आदमी के खिलाफ काम करते हैं। तो पूरा गांव उसकी धांधलेबाजी से परेशान है, लिहाजा मैंने नवाबगंज प्रशासन से मांग की है, जब वो निलंबित हो चुका है तो प्रक्रिया के तहत उसका कोटे का नया चयन कराया जाए और नए कोटेदार को नियुक्त किया जाए, उसे वहां से निष्कासित किया जाए। कारवां टीवी हर पल आपके साथ।